किस में पाई जाती है? सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ जो है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो कौन सा है? सेल्यूलोज, क्योंकि प्लांट सबसे अधिक पाए जाते हैं आपके एनवायरनमेंट में। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? सेल्यूलोज। किस में पाया जाता है? सेल वॉल ऑफ प्लांट। नेक्स्ट आते हैं काइटिन, ठीक है। काइटिन कहाँ पाया जाता है? ये एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स देखते हैं, ठीक है, जो आपको मच्छर मक्खी वगैरह दिखते हैं, कॉकरोच होते हैं, ठीक है। इनकी जो बाहर की कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो काइटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या बनाता है? इंसेक्ट्स की आउटर कवरिंग। क्लियर है? एक और इम्पोर्टेंट चीज, सेल्यूलोज जो है इसका पाचन हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। सेल्यूलोज को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्यूलोज के बीच, सेल्यूलोज ग्लूकोज और ग्लूकोज का क्या है? पॉलीसेकेराइड है, और उसके बीच में जो लिंकेज होती है उसके लिए हमारी बॉडी में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। उसको बीटा एसिटाइल लिंकेज कहते हैं। लेकिन ये जो सेल्यूलोज है कौन खाता है? रूमिनेंट्स खाते हैं। रूमिनेंट्स मीन्स जो घास फूस चढ़ने वाले जीव है, पेड़ पौधे खाने वाले, उनके अंदर एक रूमिनोकॉकस बैक्टीरिया होती है, ठीक है। बैक्टीरिया कौन सी है? रूमिनोकॉकस बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, जो इस सेल्यूलोज का पाचन करती है, और हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में वो एंजाइम नहीं पाया जाता है जो उसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर सके। क्लियर है? समझ में आ रहा है? लास्ट सीट। यस मैम। ये समझ में आया? तो पॉलीसेक्राइड्स क्या है? वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है, स्वीट नहीं होते हैं। एंड एग्जाम्पल्स आर कौन कौन से हैं? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड काइटिन। सेल्यूलोज और काइटिन जो हैं, ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल, इनका फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि स्केलेटन बना रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स हैं। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स हैं, जबकि स्टार्च एंड ग्लाइकोजन क्या है? स्टोरेज, ठीक है। ये क्या है? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स हैं, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। क्लियर है? समझ में आ गया होगा, क्योंकि दे आर स्टोर इन द बॉडी, एंड ये क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन करते हैं इंसेक्ट्स और प्लांट सेल्स की। नेक्स्ट आते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है, क्या कहलाती है? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया कहलाती है, जहां पर डिफिशियंसी है कार्बो, जिनको डिफिशियंसी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। नेक्स्ट आते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में आप क्या होगा? बहुत ही वीकनेस फील करेंगे, फटीग फील करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे फैट पर, ठीक है, फैट समझते हैं। फैट का कॉम्पोजिशन भी कार्बोहाइड्रेट के ही जैसा होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, लेकिन इसका जो कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं,
तो ये क्या कर सकता है, ये काफी कम जगह घेरता है, काफी कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और काफी कम स्पेस ऑक्यूपाई करने के कारण हमारी बॉडी में स्टोरेज के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, होता है, ठीक है। एक रीजन ये भी है। दूसरा, हमारी बॉडी में स्टोर्ड क्यों होता है, ये स्टोर्ड मटेरियल है, स्टोर्ड फूड मटेरियल हमारी बॉडी में होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की संख्या कम होने के कारण इसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है। ऑक्सीडेशन मींस होता है, ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी है, किसी भी चीज के जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में बर्न होता है जाके, बर्निंग की प्रोसेस क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन, ठीक है। मैं बार बार रेस्पिरेशन का नाम ले रही हूँ। रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो हमने खाया, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स खाए, वो ब्रेक होते हैं और उनके ब्रेक होने से एनर्जी मिलती है हमें, ठीक है। और वो ब्रेक कैसे होते हैं, बाय बर्निंग इन बॉडी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रक्रिया होती है। तो इसके पास ऑक्सीजन कम है, ये क्या करेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, इसकी बर्निंग ज़्यादा होगी। और जितनी ज़्यादा बर्निंग होगी उतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट से दोगुने से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आप ग्लूकोज, भूख लगती है या आप बहुत भूखे होते हैं, बहुत सा थकान फील करते हैं, तो क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं फट से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्लूकोज तुरंत हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। वो मोनोसेक्राइड है, सबसे सिंपल शुगर है, वो तुरंत हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन फैट, ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, हमारी बॉडी में हमने ये लिया, लेकिन अभी स्टमक में ही ब्रेक करने में इसको टाइम लग जाता है, ठीक है। बाइल इसको ब्रेक करता है पहले, तो इसको ब्रेक करने में जितना टाइम लगता है उतने में ही आपका ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया, उसने एनर्जी दे दी। लेकिन एनर्जी का फॉर्म देखें या परसेंटेज देखें, तो ये दोगुनी से ज़्यादा एनर्जी इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी को देता है। एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले न्यूट्रिएंट्स कौन है, फैट, फिर कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इंस्टेंट एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कौन कर रहा है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज हमने किस में पढ़ा, मोनोसेक्राइड्स में, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा, ये क्लियर है। और क्यों स्टोर्ड फूड मटेरियल है, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन की संख्या कम है और वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, तो ये बहुत कम स्थान घेरते हैं और हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर स्टोर रह सकते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल, और वाटर इनसॉल्युबल हमारी सेल्स में 70% वाटर है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपने शुगर ली, वो आपकी सेल में सॉल्युबलाइज हो गई, लेकिन ठीक है वो स्टोर नहीं रह सकती है, लेकिन ये वाटर इनसॉल्युबल है, इट मींस कि आपकी सेल में 70% पानी होते हुए भी ये उसमें घुलेगा नहीं, और ये आपके सेल में फैट के रूप में स्टोर रहता है, ठीक है। और मैक्सिमम किन टिश्यूज में, एडिपोज टिश्यूज में, स्टोर होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के एडिपोज टिश्यूज कहाँ पाई जाती हैं, ये जो आपका बहुत ज़्यादा फ्लफी एरियाज होते हैं आपकी बॉडी के, ठीक है, जहाँ पे आपका मसल्स ज़्यादा होते हैं, मांस ज़्यादा होता है, आपकी थाइज हो गई, ठीक है, आपकी कमर हो गई, आपके हाथ के ये पोर्शन हो गए, ये सब क्या है, एडिपोज टिश्यूज यहाँ पर होते हैं और यहीं पर फैट स्टोर होता है, क्लियर है। एंड सोर्सेस क्या क्या हैं बताइए, घी, ठीक है, बटर और क्या, मिल्क में भी फैट होता है, ठीक है, मिल्क भी है। फैट के सोर्सेस नहीं पता, वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, ठीक है, ये मेन सोर्सेस हैं आपके, किसके, फैट के, पनीर, मटन, चिकन, ये सारे में, इन सभी में फैट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनका फंक्शन। फंक्शन में क्या है, ये एनर्जी प्रोड्यूसर्स तो है ही हैं, ठीक है,
एनर्जी प्रोड्यूसर्स तो हाई हैं और कार्बोहाइड्रेट से दुगनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, साथ में क्या करते हैं, ये इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर का काम भी करते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी, मतलब टीवी वगैरह में देखते हैं, जो बहुत ठंडी जगह पे जो जानवर पाए जाते हैं वो कितने ज़्यादा हैवी होते हैं, मोटे होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, फैट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हीट इंसुलेशन के लिए, बाहर की ठंडी अंदर ना पहुँचे, ठीक है, इसके लिए उनके में फैट रिजर्व ज़्यादा होता है, तो ये हीट इंसुलेटर का भी काम करता है बॉडी के लिए। क्लियर है, बाहर की जो बाहर के टेम्परेचर से आपकी बॉडी को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट आते हैं, फैट बनता कैसे है, ठीक है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये क्या बनाता है, फैट, ठीक है। थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड पूछा जा सकता है, प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये क्या करते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ फैट बनाते हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स जो होते हैं ये सिंपल कार्बन चेन्स होती हैं जिनके साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं, और एक एसिड का ग्रुप प्रेजेंट होता है। साइंस वाले बच्चे समझ पा रहे होंगे, बाकी भी समझने की कोशिश करें, ठीक है। कुछ ऐसा केमिकली देखें तो कार्बन, लॉन्ग कार्बन चेन्स होती हैं जिनके पास एक एसिड का ग्रुप भी होता है, ठीक है। फैटी एसिड्स होते हैं, और ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला देखें, CH2O, सॉरी ग्लिसरॉल का CHOH एंड CH2OH, ये ग्लिसरॉल है, और इसके साथ तीन फैटी एसिड्स जब ऐड होते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फैट बन जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब फैटी एसिड्स के आधार पर ये जो फैट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फैटी एसिड्स कौन कौन से, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स, इसमें जो फैटी एसिड्स, मैंने स्ट्रक्चर आपको इसलिए बताया कार्बन और हाइड्रोजन का ताकि आप समझ पाएं कि व्हाट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या सैचुरेटेड फैट्स। जो कार्बन और कार्बन है, कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एग्जाम का क्वेश्चन है आपके, ठीक है। कार्बन और कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड ब्रेक करने में, ये ज्यादा स्ट्रांग है, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता जल्दी, जबकि डबल बॉन्ड को आप जल्दी ब्रेक कर सकते हैं, केमिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो, ठीक है। स्ट्रांग होते हैं और ये वीक होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रांग और वो वीक है, इनको तोड़ा नहीं जा सकता जबकि उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। एक और चीज, ये सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं ये ठंडा करने पर जम जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट आर द सैचुरेटेड फैट्स, ये ठंडा करेंगे तो ये सैचुरेटेड फैट्स जम जाते हैं, क्योंकि इनकी बड़ी ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हाइड्रोजन, और एक बड़ी बात कि सैचुरेटेड इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन से सैचुरेटेड है, इनको हाइड्रोजन नहीं चाहिए, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड या संतृप्त फैट्स। संतृप्त आप कब होंगे, जब आपके पास वो मटेरियल पूरा होगा, आपको जरूरत नहीं है कहीं से लेने की,
तो आप क्या होंगे, सैचुरेट होंगे उस चीज के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन में अगर पढ़ा होगा कि अगर हम कोई सॉल्यूट घोलते हैं किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी सॉल्वेंट में, तब तक घोल, जब वो घुलना बंद हो जाए तो वो क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। या हम सिर्फ अपनी बात करें तो हमारे पास अगर चीजें हैं तो हम क्या कहेंगे, हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं भाई मैं संतृप्त हूँ, उससे मुझे अब आवश्यकता नहीं। तो क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन सफिशियंट होते हैं इसलिए इनको हम सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। और इसके पास अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, ठीक है, अगर इसने 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन बॉन्डिंग में दे दिए तो इसके पास हाइड्रोजन कम होंगे, हाइड्रोजन जुड़ने की जगह कम होगी, ठीक है, तो इसके पास हाइड्रोजन की कमी होती है, इसको और हाइड्रोजन चाहिए, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैट्स। ये क्लियर हो गया, व्हाट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। अब सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, डबल बॉन्ड वीक होता है, इसको ब्रेक करने में ज़्यादा मेहनत लगती है और उसको कम लगती है। अब ये ठंडा करने पर ये क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, ठीक है, ठंडा करने पर ये जम जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है और इनकी बॉन्डिंग एक दूसरे के पास इकट्ठा हो जाते हैं ठंडा करने पर आसानी से, जबकि डबल बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी बॉन्डिंग के कारण वो एक पास एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, ठीक है, ये क्या होता है, सॉलिडिफाइज। और ये सॉलिडिफाई नहीं होते, ठीक है, यही रीजन है। तो अनसैचुरेटेड फैट्स कौन हो सकते हैं बताइए, आप लोग जो खाते हैं घी तेल मक्खन में, कौन से हैं अनसैचुरेटेड फैट्स एंड कौन से हैं सैचुरेटेड फैट्स, जल्दी से क्विक। ठीक है, ऑयल क्या है, ऑयल में जो वनस्पति तेल या वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो क्या है, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, ये जमते नहीं है। और एनिमल फैट्स कौन कौन से, एनिमल फैट में किसको रखेंगे, चर्बी है, ठीक है, घी है, घी किससे, दूध से निकलता है तो वो एनिमल फैट ही है, ठीक है, मक्खन है, ये क्या है, ये सैचुरेटेड फैट्स हैं। एंड वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, प्लांट फैट्स, ठीक है, ये जो आपके सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं, जबकि ये किस में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं आपके सैचुरेटेड फैट्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और ये हार्मफुल होते हैं सैचुरेटेड फैट्स, क्योंकि इनको पचाने में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा एनर्जी यूज होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। और अनसैचुरेटेड फैट्स वो क्या होते हैं, लेस हार्मफुल तो होते हैं बट लेस, ठीक है। एक एनिमल फैट है, बता सकते हैं कौन सा, जो अनसैचुरेटेड होता है, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल जो आप अक्सर आंखों के लिए लोग खाते हैं, उसको आप सॉलिडिफाई करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तब भी वो नहीं जमेगा, तो वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है। कॉड फिश में पाए जाने वाला ऑयल। और सबसे अच्छा अनसैचुरेटेड फैट का, या कहेंगे आपके लिए जो ऑयल है, वो सैफ फ्लावर कुसुम का पौधा, कुसुम नाम सुना है पौधे का, ठीक है, वो तो नाम पर्यायवाची है फूल का, लेकिन कुसुम का पौधा होता है जिसका फैट हाईली अनसैचुरेटेड होता है, और सबसे अच्छा फैट वही माना जाता है, कौन सा, सैफ फ्लावर। हाईली अनसैचुरेटेड बेस्ट ऑयल होता है सैफ्लावर का। अब बात करते हैं, ये जो अनसैचुरेटेड फैट है इसको सैचुरेटेड फैट में बदला जा सकता है बाय सप्लाइंग द हाइड्रोजन, ठीक है, इसके पास क्योंकि हाइड्रोजन की कमी होती है, तो अगर हम इसमें हाइड्रोजन इसको देंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, सैचुरेटेड फैट में, अनसैचुरेटेड फैट चेंज होता है सैचुरेटेड
फैट में, या हम कह सकते हैं वेजिटेबल। आवाज क्यों आ रही है पीछे? ठीक है, वेजिटेबल ऑयल किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है? सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को पास किया जाता है, जिससे इसमें हाइड्रोजन के कंपोनेंट्स बढ़ जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड फैट में। ये क्या बन जाएगा? वेजिटेबल ऑयल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? घी में। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है बाय विच प्रोसेस अनसैचुरेटेड फैट या वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू घी और सैचुरेटेड फैट, कौन सा? हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में, जिसमें निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पास करने पर ये सैचुरेटेड फैट में बदल जाता है और अब ये ठंडा करने पर क्या करेगा? जमने लगेगा। क्लियर है? तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल फैट्स या सैचुरेटेड फैट्स बनाए जा सकते हैं। नहीं, एस सैचुरेटेड फैट को फिर जो है इसको रिवर्स प्रोसेस नहीं होगी। क्या बात है भाई? अच्छा, रुकने को क्या रहते? लिख लीजिए, सैचुरेटेड फैट अन सैचू हाइड्रोजन निकल प्रोसेसेस हाइड्रो ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया? ये इधर लगाना, उल्टी प्रोसेस हो गई है। कंफ्यूज, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, तो इसको हम क्या कर देते हैं? अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड लिख लिया, अब सही कर दिया, अभी कंफ्यूज हो रहे थे ना। देखिए, अनसैचुरेटेड फैट में जब आप हाइड्रोजन पास करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तब ये किसमें बदल जाएगा? सैचुरेटेड फैट में बदल जाएगा, क्योंकि अब इसके पास हाइड्रोजन सफिशियंट अमाउंट में होगा। क्लियर है? क्या अनसैचुरेटेड में? हाँ, एक बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होते चले जाएंगे। ये लंबी चेन होती है, तो सभी डबल बॉन्ड्स हटेंगे और उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। हाँ, इस प्रोसेस में, हाँ, 150 डिग्री सेंटीग्रेड हीट की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन्स। क्लियर है फैट्स? तो फैट्स क्या करते हैं? आप सीधे बैठिए। ठीक है, फैट्स क्या करते हैं? एनर्जी यील्डिंग है एंड दुगनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से देते हैं, और साथ में क्या करते हैं? हीट इंसुलेटर का काम हमारी बॉडी में करते हैं। क्लियर है? कहाँ ज़्यादा इकट्ठा होते हैं? कहाँ पे हमारी बॉडी में स्टोर्ड होते हैं? एडिपोज टिश्यूज में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन्स पे। द नेम कॉइन्ड बाय बर्जीलियस, प्रोटीन का जो नाम है ये किसने दिया था? बर्जीलियस। बर्जीलियस साइंटिस्ट ने प्रोटीन का नाम दिया था। ठीक है, इनका जो कॉम्पोजिशन है इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होता ही है, साथ में नाइट्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन के साथ साथ कभी जो है कभी कभी रिक्वायरमेंट के आधार पर सल्फर, आयोडीन एंड फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। होता वही है बेसिक, क्या बढ़ गया, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, आयोडीन फॉस्फोरस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे शरीर में जो प्रोटीन्स होते हैं, ये अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। सब पहले बड़ी बात, ये बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो हमारी सेल्स होती हैं, ठीक है, सेल वॉल की बात करें तो अलग बात है प्लांट सेल की, लेकिन हमारी जो सेल्स होती हैं वो मैक्सिमम प्रोटीन की बनी होती हैं। और आपको पता है सेल से हम बता चुके हैं, सेल मिलकर बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यूज एंड टिश्यूज जो होते हैं वो और ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनता है, पूरी बॉडी बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स और कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है, और ये जरूरी है सेल फॉर्मेशन के लिए, नेसेसरी फॉर सेल फॉर्मेशन। बात समझ में आई, सेल ही नहीं बनेगी तो आपका बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। किसके लिए जरूरी है, ग्रोथ एंड डेवलप के लिए जरूरी है। और मैंने बताया क्यों जरूरी है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल, सेल के इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं ये, ठीक है, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो। नेक्स्ट आते हैं ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, दैट्स व्हाई दीज अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। क्या होगा, अमीनो एसिड, ठीक है, ऐसे कई अमीनो एसिड एक साथ मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, या प्रोटीन का डब जब डाइजेशन होगा तो किसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, किसमें ब्रेक होते हैं, अमीनो एसिड्स में ब्रेक होते हैं, और वो अमीनो एसिड फिर हमारे ब्लड के द्वारा या कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, और फिर वो उनका ऑक्सीडेशन होता है और उनसे एनर्जी भी, थोड़ी बहुत मात्रा में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। लेकिन सेल के अंदर इनका क्या काम है, ये बनाते हैं प्रोटीन, अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ये बात समझ में आई, अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनाई, कहाँ पे, हमारे सेल्स के अंदर। ये अमीनो एसिड्स किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। बॉन्ड का नाम क्या है, प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, एग्जाम में आ सकता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी की अगर हम बात करेंगे तो ये अमीनो एसिड्स 20 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, क्लियर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमीनो एसिड्स जो हैं कितने प्रकार के हैं, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से 10 प्रकार के अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और 10 प्रकार के एसिड्स जो होते हैं वो हमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो हमारी बॉडी में है वो हमारे लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी बॉडी में है, लेकिन जो नहीं है वो क्या करेंगे, हम बाहर से लेंगे। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स, आवश्यक अमीनो एसिड्स, ठीक है। 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टेकन फ्रॉम आउट साइड दीज आर प्रेजेंट इन बॉडी,
ठीक है, क्योंकि इन्हें हमें बाहर से लेने की जरूरत होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स। समझ में आ रही, आवश्यक अमीनो एसिड्स। आवश्यकता किसकी होगी? जो चीज आपके पास नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। 10 जो होते हैं, कितनी संख्या होती है एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, पूछी जा सकती है। तो और क्या होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये भी पूछा जा सकता है। तो जिनकी आवश्यकता हमको होती है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, जिनको हम बाहर से ग्रहण करते हैं, ठीक है, इनपुट। ये क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं सोर्सेस। देखिए, और एक इंसान की प्रोटीन दूसरे इंसान की प्रोटीन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यहाँ ये भी है कि जैसे कि आप 26 अल्फाबेट्स आपकी डिक्शनरी में हैं और यू कांट इमेजिन कि कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है, बने हैं और जाने कितने बना सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही हाल अमीनो एसिड्स का है कि ये 20 अमीनो एसिड्स अलग अलग प्रकार से रीअरेंज होके असंख्य कितनी प्रकार की प्रोटीन्स बना सकते हैं आप सोच नहीं सकते, और आपकी सेल टू सेल ये प्रोटीन डिफर कर सकती है, सेल टू सेल, टिश्यू टू टिश्यू ये प्रोटीन डिफर हो सकती है, ठीक है। सोर्सेस क्या है, सबसे पहले बात करेंगे, आपको याद करना है सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन में सबसे अधिक परसेंटेज होता है, अराउंड 60-70% प्रोटीन होता है, ठीक है। सबसे रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है, सोया बीन। इसके साथ साथ आप कुछ बता सकते हैं कौन सी चीजें आप कहते हैं कि प्रोटीन लेनी चाहिए, क्या खाते पीते हैं, ठीक है, पल्सेस और मिल्क है, ठीक है, पल्सेस है, मिल्क में प्रोटीन होती है, मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, केसीन, ठीक है, पल्सेस में प्रोलामीन सभी बताएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो आप नॉन वेज मटेरियल्स खाते हैं, मटन एंड चिकन, पनीर, ठीक है, इन सब एग में, ठीक है, एग, इन सभी में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, पर हाईएस्ट क्वांटिटी इज फाउंड इन सोयाबीन। ये क्लियर है, ठीक है, बाकी चीजें आप जानते हैं। क्लियर हो रहा है। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मूंगफली जो आप खाते हैं, ठीक है, आपको पता है इसमें फैट एंड प्रोटीन की मात्रा दोनों होती है, ज्यादा मात्रा प्रोटीन की होती है और कम मात्रा फैट की प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन, मैंने आपको बताया क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है और साथ में बॉडी बिल्डिंग करते हैं, काम करते हैं जिससे ग्रोथ होती है आपकी बॉडी की। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं, हमारी बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं उसमें एंजाइम्स और हार्मोन्स के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन प्रोटीन्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। जो प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं दे आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स लाइक केराटिन। केराटिन कहाँ पाया जाता है, आपके बालों में, ठीक है, नाखून में, सींग में, ठीक है, हेयर, हॉर्न, नेल, ओसीन आपकी बोन में प्रेजेंट होता है, याद करना है ये सब, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, मैच दो, मैच टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। कॉन्ड्रिन, कार्टिलेज, ठीक है, कॉर्डिन एंड कोलेजन, ठीक, नेक्स्ट आते हैं एल्ब्यूमिन, अभी मैं आपको बताती हूँ किस में पाया जाता है, एग में, ठीक है, प्रोलामीन्स, पल्सेस में, नोट करिए इसको फटाफट,
दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है पीछे। केराटिन, पहले मैंने लिखा है केराटिन फाउंड इन हेयर हॉर्न एंड नेल। केराटिन किसमें? आपके नेल्स में, आपके हेयर में, ठीक है, जो जानवरों की सींग है उसमें प्रेजेंट होता है। और सीन जो होता है आपकी बोन्स जो हैं वो सीन नाम के प्रोटीन से बनी होती हैं। साथ में कॉन्ड्रिन एंड कॉलेजिन, ये कार्टिलेज, कार्टिलेज जानते हैं, ये जो आपकी बोन्स है सॉफ्ट बोन्स, कान की, नाक की, आपके यहाँ फेरिंग्स, गले में कुछ है, एक है, आपने देखा होगा गला हिला पाते हैं, यहाँ पे फेरिंग्स होती है, ये भी कार्टिलेज की बनी होती है। एल्ब्यूमिन, जो वाइट पार्ट है एग का, दैट इज एल्ब्यूमिन, वो भी प्रोटीन का बना होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसलिए दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। प्रोलामीन्स, जो दाल खाते हैं उसमें कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है? प्रोलामीन्स। आई बात समझ में? नेक्स्ट है केसीन इन मिल्क, यहां लिख रही हूं मैं, केसीन इन मिल्क। मिल्क का व्हाइट कलर जो होता है वो केसीन प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है, किसके कारण होता है? केसीन प्रोटीन के कारण। और जो येलोनेस होता है मिल्क का, आपने देखा कुछ व्हाइटिश येलो होता है, तो व्हाइट कलर इज ड्यू टू केसीन एंड कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं मिल्क में, जिसके कारण उसका कुछ येलोइश टिंच भी होता है, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स आर नॉट द प्रोटीन्स, हम सिर्फ केसीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है स्टोन प्रोटीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, किस में पाए जाते हैं? मैंने आपको जेनेटिक मटेरियल बताया है, डीएनए, ठीक है, डीएनए बताया है, जेनेटिक मटेरियल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन। बात करेंगे डीएनए, एक सेल बहुत ही छोटा होता है, जानते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस उससे भी कहीं छोटा होता है, आप नहीं सोच सकते हैं, माइक्रॉन्स, कल मैंने बताया था 0.5 माइक्रॉन से 20 माइक्रॉन्स, माइक्रॉन समझ सकते हैं, बहुत ही सब छोटी यूनिट है उस, वो सेल होती है, उस सेल के अंदर उससे भी कहीं छोटा न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर लगभग 1.5 मीटर का डीएनए प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी का जो न्यूक्लियस है, सेल्स का न्यूक्लियस है, और वो जो डीएनए होता है वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तभी तो इतना बड़ा डीएनए इतनी छोटी माइक्रोन क्वांटिटी मतलब साइज वाली सेल के अंदर रह सकता है। तो ये जो पैकेजिंग होती है डीएनए, इस टाइप से हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, और ये हिस्टोन के चारों तरफ ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर बना के कॉइल होता है, और ये प्रोटीन क्या कहलाती है? स्टोन प्रोटीन होती है, डीएनए पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। डीएनए, इतने लंबे डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर पैक करने के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर है? देखिए ये पढ़ने के लिए, बायो पढ़ने के लिए जरा, ठीक है। ग्लोबुलिन, भाई मुझे आवाज आ रही है इधर से, क्या बात है? आप कह देंगे मैं 2 मिनट के लिए रुक जाऊंगी, लिख लीजिए। हीमोग्लोबिन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, नाम सुना है आपने हार्मोन्स का, ठीक है, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है, आपकी जितने भी हार्मोनल, आप सुनते हैं ना बड़े हार्मोनल चेंजेस हो गए आपकी बॉडी में, जो ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एक्चुअली उसमें काफ़ी हार्मोन, सभी नहीं कहेंगे, ये हार्मोन्स प्रोटीन के भी बने होते हैं। एंजाइम्स की बात करें, एंजाइम्स जो है वो कैटेलिस्ट हैं, बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट, ये किसी भी बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को तेज करते हैं या कम कर सकते हैं बिना यूज हुए, ठीक है। ये एंजाइम्स, सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, एक थ्योरी है कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, बट सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि एंजाइम्स जो है दे आर हैवी मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरी है, दूसरी बात ये क्या है, सभी एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स से बने होते हैं, फैक्ट क्या है, सभी प्रोटीन लेकिन एंजाइम नहीं होते हैं, और ये बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट का काम करते हैं, हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हैं उसको कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे, ठीक है।
कौन कौन से रोग होते हैं प्रोटीन की डिफिशियंसी से, पता होगा आपको? एंड मैरिस्मस, ठीक है, अभी बात करेंगे। क्वाशरकोर जो होता है वो सिर्फ प्रोटीन के डिफिशियंसी से होता है। जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो मैंने अभी बताया आपकी मसल्स किससे बनी है, मायोसिन प्रोटीन से बनी है, और प्रोटीन की डिफिशियंसी हो गई तो मसल्स क्या होंगी, वीक हो जाएंगी, उनका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका मेन क्या है सिम्टम कि अब मसल लॉस ऑफ मसल्स आप उससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि मायोसिन प्रोटीन एंड एक्टिन प्रोटीन है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मस्कुलर सेल्स, ठीक है। तो क्वाशरकोर में लॉस ऑफ मसल्स होता है, और बेली जो बच्चों को होता है, स्पेशली पेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है, ठीक है, बल्जिंग ऑफ बेली एंड लॉस ऑफ मसल्स। बच्चा हाथ पैर तो काफ़ी दुबले हो जाएंगे, गांव में देखा होगा, जो लोग गांव में जाते हैं कुछ बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, उनका पेट तो बहुत निकला होता है पर उनके हाथ पैर एकदम दुबले होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके जो एंकल्स होते हैं, ये जोड़ जो होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, वो फूले हुए होते हैं, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ एंकल ज्वाइंट्स। मैरिस्मस ये सिर्फ प्रोटीन से होता है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोटीन से सिर्फ क्वाशरकोर, मैरिस्मस जो होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, जब दोनों की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, मैरिस्मस। समझ लीजिए, जब आपके पास प्रोटीन सेल भी नहीं बन रही है, एनर्जी भी नहीं आ रही है, तो मर ही जाएंगे, उससे याद कर लीजिए, मैरिस्मस सीवियर डिजीज है, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मैरिस्मस कहते हैं। इसमें बच्चे की मसल्स बिल्कुल वीक हो जाती हैं, डायरिया, ठीक है, और कन्वल्शन, पेट में ऐठन होती है, ठीक है, और हो सकता है बच्चे की डेथ भी हो जाए, क्योंकि ना एनर्जी है और ना ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर है, ये नहीं भूलेंगे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वाशरकोर इज कॉज बाय डिफिशियंसी, ठीक है। विटामिन्स आर मेड अप ऑफ टू, मतलब ये जो है विटामिन्स को हम एब्रीविएट कर सकते हैं वाइटा प्लस अमीन्स, वाइटा मीन्स लाइफ, वाइटल या वाइटा मीन्स लाइफ, एंड एसेंशियल मीन्स अमीन्स मीन्स एसेंशियल, तो ये लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स हैं। मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, विटामिन्स जो है, बड़ी बात यह है कि हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते, इनको हमें बाहर से ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है, बाहर से ग्रहण करना पड़ता है और इनकी कमी हो जाए, क्योंकि दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ, एंड मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हमारी बॉडी में जितनी रिएक्शंस हो रही हैं उसमें एसेंशियल पार्ट एज अ कोएंजाइम या बाकी रिएक्शंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, इनकी ज़रूरत होती है, और मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स ये कहलाते हैं। साथ में हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, इनका वेट क्या होता है, डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था विटामिन्स का, फंक ने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंक ने डिस्कवर किया था, एंड विटामिन थ्योरी वॉज गिवन बाय फंक एंड हॉपकिंस बोथ, ठीक है, फंक और हॉपकिंस ने विटामिन थ्योरी दी थी। डिस्कवर किसने किया था, फंक ने डिस्कवर किया था, और कहाँ, चावल की छीलन में, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावल के धोने से कौन से विटामिन का लॉस होता है, विटामिन बी का वैसे तो होता है, ठीक है, विटामिन बी का लॉस होता है, लेकिन फंक ने सबसे पहले इन किस विटामिन्स को कहाँ ढूंढा था, चावल की छीलन में ढूंढा था। लिख लिया सबने, इधर हो गया। दो प्रकार के होते हैं विटामिन्स, पता है आपको,
वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल, बहुत तेजी से करेंगे, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हो सकते हैं पता है? ठीक है, बी एंड सी। देखो आपका विटामिन बी आपकी गोलियां लेते हैं क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, इसलिए आप उसको गोलियों के फॉर्म में ले सकते हैं। नींबू को पानी में, जो बच्चे प्लीज पीछे समझ नहीं रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। टू टाइप ऑफ विटामिन आर फाउंड, कौन से? वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कैसे? आप नींबू में विटामिन सी होता है, उसको क्या करते हैं पानी में उसको गाड़ लेते हैं और पी लेते हैं, इसका मतलब क्या है वो पानी में सॉल्युबलाइज हो गया याद करने के लिए। विटामिन बी की गोलियां खाते हैं, इट मींस वो आपके बॉडी में गया और सॉल्युबलाइज हो गया, ठीक है। और फैट सॉल्युबल कौन है? ए डी ई के, ठीक है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होते। अब ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इंपॉर्टेंट ये है कि इनको हम ज्यादा देर बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, इसकी आवश्यकता हमें रोज होती है, ठीक है। और ये क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, हमारे सेल्स में पानी है, जैसे ही इनकी मात्रा ज्यादा होती है ये सेल्स में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं और यूरिन और स्वेटिंग के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए स्टोर नहीं हो पाते हैं। बात समझ में आ रही है? देखा होगा विटामिन सी भी यूरिन से बाहर निकल जाता है और आप विटामिन बी की गोलियां खाइए तो बॉडी से स्वेटिंग होती है तो कुछ अजीब सी स्मेल आती है, ठीक है। तो ये सॉल्युबलाइज ना होने के कारण बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, ज्यादा देर तक बॉडी में स्टोर नहीं रह पाते हैं, जबकि ये फैट सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होते, ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन ए क्या नाम है? रेटिनॉल, सबको पता है। कौन सी सोर्सेज आपको पता है? मैं एक बात बता दूं कि ये सारे विटामिन जो है, अच्छा एक ही बात करेंगे, कैरेट में, ठीक है, गाजर में होता है और पीले फलों में होता है, ठीक है। जो पीले फल खाएंगे, आम पपाया, इन सब में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है और इससे दो प्रकार के डिजीज होती है, जीरो थैलमिया, ठीक है, एंड नाइट ब्लाइंडनेस। जीरो थैलमिया क्या होता है? ड्राई आईज होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? कॉर्निया सूख जाती है, ठीक है, कॉर्निया सूख जाती है, केराटिनाइज्ड हो जाती है, जिससे लाइट आंखों से पास नहीं हो पाती है, ठीक है, और यही रिजल्ट कर देता है कि उसमें नाइट ब्लाइंडनेस में। तो नाइट ब्लाइंडनेस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट आते हैं विटामिन बी। विटामिन बी को बहुत सारे विटामिन इसमें होते हैं क्योंकि ढेर सारे विटामिन की एक लिस्ट है, तो इसको हम क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां खाते हैं, उसमें बहुत विटामिन बी के कई प्रकार प्रेजेंट होते हैं। विटामिन बी के वैसे तो सोर्सेज जो हैं पता है सबको, हरी सब्जियों में होते हैं, चिकन मटन एग, ठीक है, एंड स्प्राउटेड सीड्स में विटामिन बी बहुत अधिक होता है, चावल की छीलन में विटामिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो नहीं लिखाएंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं मेवों में, इसमें भी विटामिन बी की मात्रा काफ़ी होती है। और सभी विटामिन बी जो होते हैं, ज़्यादातर विटामिन बी दो आपके शरीर में दो रोग कॉज कर सकते हैं, एक आपकी तंत्रिका तंत्र या कहेंगे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और दूसरा आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। कहते ना पेट खराब हो गया या कुछ दिक्कत हो रही है तो विटामिन बी खा लो, ठीक है, मल्टी विटामिन खा लो, तो उसमें ज़्यादातर विटामिन बी होता है, ठीक है, तो आपके नर्वस सिस्टम को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और दूसरा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। हम सिर्फ मेन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन बी वन नेम इज थायामीन, सबको पता है, ठीक है। डिजीज कौन सी होती है? बेरी। और बेरी बेरी डिजीज क्या है? ठीक है, मैंने बताया कि ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, मस्कुलर एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, बेरी बेरी में आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो अफेक्टेड होता है, जिससे पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है, पैरालिसिस हो जाती है और उसके साथ साथ, ठीक है, पैरालिसिस हो जाएगी हार्ट की मसल्स को, दूसरा क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है, पैरालिसिस एंड हार्ट की मसल्स को अफेक्ट करता है और दोनों का
जो एक दोनों का इन्वॉल्व फॉर्म है वो क्या कहलाता है, बेरी बेरी, पैरालिटिक अटैक प्लस मस्कुलर हार्ट की जो एक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है और डेथ भी हो सकती है व्यक्ति की, उस रोग को हम क्या कहते हैं, बेरी बेरी। नेक्स्ट है विटामिन, कौन सा, B2, राइबो फ्लेविन, ठीक है, राइबो फ्लेविन से कौन सा रोग होता है, कीलोसिस। कीलोसिस में क्या होता है, ये जो आपका जो माउथ के कॉर्नर्स होते हैं ये फट जाते हैं, पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, क्या होता है, ये जो आपके माउथ का कॉर्नर है ये फट जाएगा, इसमें पपड़ी सी पड़ जाती है, स्वेलिंग होती है और पेन होने लगता है, और साथ में अंदर की जो लेयर्स हैं मुंह की वो भी कुछ अल्सरेशन से अल्सरेटेड हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं B3, क्या नाम है, नियासिन, ठीक है, B3 का नाम है नियासिन, इसको विटामिन पी भी कहते हैं, और ये क्या कॉज करता है, ये डर्मेटाइटिस कॉज करता है। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन की बीमारियां, आपकी स्किन क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी, पपड़ी पड़ जाएगा, खुजली हो जाएगी, या कुछ स्पॉट्स टाइप के पड़ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डर्मेटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन B5, पैंटोथेनिक एसिड, नेम क्या है, पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है, इधर के बच्चे लिख पा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इधर बैठा करिए थोड़ा सा, ठीक है, क्या करा जाए, नौशिया एंड नंबनेस, ठीक है, B5 की कमी, क्योंकि B5 हमारी बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिसका B5 का संश्लेषण करते रहते हैं या सिंथेसिस करते रहते हैं, तो यूजली इसकी कमी नहीं होती है, और इसके जो सिम्टम्स या कहेंगे इससे जो डिजीज है वो भी ज़्यादा परेशानी वाली नहीं होती है। B6, पायरिडॉक्सिन, एग्जाम में आते हैं नाम, ठीक है, B6 जो होता है वो एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एनीमिया जानते हैं क्या होता है, ब्लड की कमी, ठीक है, ब्लड में ब्लड सेल्स की कमी, RBCs की कमी, ब्लड की कमी नहीं, RBCs की कमी है, वो क्या कहलाती है, एनीमिया। तो B6 क्या करती है, एनीमिया कॉज करती है। फिर आते हैं B7, इसको हम विटामिन H भी कहते हैं, ठीक है, H पूछा जाए या B7 पूछा जाए सेम है, और क्या नाम है इसका, बायोटिन, एंड इसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं, हेयर फॉल, ठीक है, B7 की कमी होगी तो आपके बाल झड़ने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन B9, ऊपर लिखो, ये लिख लिया है सबने, कंप्लीट, विटामिन B9, इसको कहते हैं फोलिक एसिड, नाम सुना है ना, सबने नाम सुना होगा, ठीक है, आयरन का अच्छा कंटेंट होता है इसमें, और ये रिस्पॉन्सिबल, ये भी इसकी कमी से भी क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। जब खून की कमी होती है तो ये दिया जाता है, फॉलिक एसिड दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B12, नेम इज साइनोकोबाल एमीन, कोबाल से नाम याद रखेंगे, COB, कोबाल से नाम रखेंगे, इसमें कंपोनेंट होता है कौन सा, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि कोबाल्ट किस विटामिन में प्रेजेंट होता है,
तो विटामिन B12 साइनोकोबालमीन में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है और ये भी रिस्पॉन्सिबल है एनीमिया के लिए, बट परनीशियस एनीमिया। डिफरेंस बिटवीन एनीमिया एंड पर्निशियस एनीमिया क्या है? मोड का यूज करें या एक्चुअली यूज करें या यूज करें? वो एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा था ना बच्चे को, सेटअप करा लें। नहीं तो उधर ही कर दो, ठीक है, ये चाहे इधर करिए, चाहे इधर करिए। चलिए ठीक है, फिर इधर ही करते हैं। तो वो फिर से करना पड़ेगा जो मैं कर रही हूँ? ठीक है। तो ये क्या है साइनो, ये वाला देख लीजिए, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है और परनीशियस एनीमिया कॉज करता है। और एनीमिया और परनीशियस एनीमिया में अंतर क्या है? एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स कम मात्रा में बनते हैं, लेकिन परनीशियस एनीमिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा घातक हो, सॉरी एनीमिया में उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है, डेड होते हैं ना, पता है आपको 120 दिनों में रेड ब्लड सेल्स की डेथ होने लगती है, ठीक है। तो उसमें उनकी संख्या कम होती है एनीमिया में, जबकि परनीशियस एनीमिया में नए ब्लड सेल्स बनते ही नहीं हैं, ठीक है, नए ब्लड सेल्स नहीं बनते किसमें? परनीशियस एनीमिया में, जो कि विटामिन B12 के कारण होता है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है और आलमंड, ठीक है, आंवला में। आंवला में सबसे अधिक परसेंटेज विटामिन सी की पाई जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इससे कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है, जिससे पेन, इसमें जो आपके दांत हैं, ठीक है, मसूड़े जो है दांतों के, वो क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है और उनसे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या है? स्कर्वी रोग होता है। पेन, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। नेक्स्ट आते हैं विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल, क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल, और इसका सोर्स क्या है? सनलाइट। ये हमारी बॉडी में नहीं होता है, लेकिन सनलाइट से हमारी बॉडी के अंदर बनता है, बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, बनता है। और ये बाहर नहीं पाया जाता है, बट कुछ चॉकलेट्स में, ठीक है, चॉकलेट्स में और मिल्क में थोड़ी मात्रा में विटामिन डी प्रेजेंट होता है। तो इसका मेन सोर्स क्या है? सनलाइट। इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? रिकेट्स, ऑस्टियो मलेशिया एंड ऑस्टियो पोरोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिकेट्स बच्चों में होता है और इसमें जो बच्चों के हड्डियां होती हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाती है और जैसे बिल्कुल ऐसी मुड़ी मुड़ी हड्डियां, पैर देखे होंगे कुछ बच्चों के, ठीक है, ठीक है, बॉडी है और पैर क्या है? मुड़े हुए हैं, हड्डियां फ्लेक्सिबल होके पैर इस तरीके से धनुष के आकार के मुड़ जाते हैं, वो क्या होता है? रिकेट्स। इसको सूखा रोग भी कहते हैं, बच्चा बहुत ही दुबला हो जाता है, मसल्स का लॉस हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो एडल्ट्स को होता है, इसमें बोन डेंसिटी कम हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, पोरोसिस मतलब पोर्स, पोरस हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है हड्डियां, नई हड्डियां नहीं बनती हैं पूरा, क्योंकि नई और पुरानी पुरानी हड्डियों के जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं धीरे धीरे, उसकी जगह नई हड्डियां नहीं बन पाती हैं, वो कंडीशन क्या कहलाती है? ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया में भी हड्डियां जो होती हैं वो फ्रेजाइल हो जाती हैं और जरा सी भी झटका लगने में टूट भी सकती हैं।